जननायक जनता दल पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने गुरुग्राम से बीजेपी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर हमला बोलते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का अहंकार व उनका व्यवहार अब की बार उनको पराजित करेगा, क्योंकि जनता विकल्प के रूप में राहुल फाजिलपुरिया को देख रही है, जिनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। दिग्विजय चौटाला ने उक्त वाक्य सोहना सब्जी मंडी यूनियन के प्रधान मोहना सैनी के निवास पर दोपहर का भोजन लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। आपको दिखाई दे रहा यह नजारा सोहना सब्जी मंडी यूनियन के प्रधान मोहन सैनी के निवास स्थान का है, जहां पर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर गांव का दौरा कर रहे जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया व दिग्विजय सिंह चौटाला पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं। इस मौके पर दिग्विजय चौटाला ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जांच कराने के बारे में दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के नेतृत्व में क्या खामियां रही हैं, उन सभी की जांच कराएं, जांच कराते क्यों नहीं है। इस मौके पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा जेजेपी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और वह भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से जहां जेजेपी बीजेपी और बीएसपी पार्टी के अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं, वहीं अभी तक कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सकी है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन यह तो आने वाले 25 मई को ही तय होगा कि जनता जीत का ताज किसके सर पर सजवाती है। आज हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राहुल फाजिलपुरिया के समर्थन में सोना हल्के के दर्जन भर गांव के कार्यक्रम थे और चौतरफा बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत जन समर्थन राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में खड़ा हो रहा है। ये हमें पूर्णतः विश्वास है कि जनता वैकल्पिक तौर पर राव इंद्रजीत सिंह जी के विकल्प में जिसको ढूंढ रही है, अब उसको कहीं ना कहीं राहुल फाजिलपुरिया मानने और उनको चुनने का मन बना लिया। तो बड़ा उत्साह है, 36 जात के हर वर्ग के लोग और विशेष तौर पर युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। गुड़गांव की सीट हम अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे, पूर्णतः पराजित होंगे। वो इसलिए पराजित होंगे कि उनका व्यवहार, उनका अहंकार जो है वो उनको ले लेंगे। ये युवा जो है राजशाही से लोहा लेने के लिए खड़ा हुआ है। जांच करानी है तो फिर देरी किस चीज़ की, करा लेनी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री ना तो मेरे कहने से रुकेंगे ना कराएंगे, ये तो मैं कह रहा हूँ। जाँच करा लेनी चाहिए सारे, अगर जो उनको कोई मुख्यमंत्री है वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चेक करें क्या अनियमितताएँ रही क्या नहीं रही, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में क्या अनियमितताएँ रही हैं, वो नायब सैनी को जांच करानी चाहिए।